हमने उसको ज्यादा देर के लिए महफूज करना, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट्स प्रोसेसिंग, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल स्टोर इट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगर कम अरसे के लिए हमने इसको महफूज बनाना है, सेव करना है, तो हम उसको चिलिंग टेम्परेचर पे रखेंगे। अब जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक फ्रिज और एक जो है वो फ्रीजर। ठीक है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, चिलिंग टेम्परेचर है। फ्रीजर के अंदर -18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमने अगर लंबे अरसे के लिए चीज़ को महफूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे, -18 पे। ठीक है, अगर हमने थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए, या फॉर सम टाइम, फॉर सम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने इसको महफूज करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, आई मीन चिलिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये टाइम और टेम्परेचर का आपस में कॉम्बिनेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल रॉ मीट है, हम उसको अपने प्रोसेसिंग सेक्शन में ले आए, हमने क्या है उसको जल्द से जल्द उसकी प्रेपरेशन करनी है, उसकी वॉशिंग करके या तो उसको कुकिंग की तरफ ले जाएं। कुकिंग मीन्स उसकी जो टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर रेंज उसकी कुकिंग की क्या होगी, एटलीस्ट 63 डिग्री सेल्सियस, 63 से ऊपर उसकी कुकिंग करनी है। ठीक है, अगर 63 से ऊपर कुकिंग करेंगे तो नियर अबाउट 100 जाके जितने भी इसमें बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और किल हो जाएंगे। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को महफूज कर लेंगे फ्रॉम बैक्टीरिया। अदरवाइज अगर हमने उसको कुक नहीं करना, सर्व नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को हम फ्रीजिंग की तरफ ले जाएंगे, या उसको हम मीन्स टू से लोअर टेम्परेचर रेंज में ले जाएंगे। वो लोअर टेम्परेचर रेंज क्या हो सकती है, 4 डिग्री, अगर शॉर्ट स्पैन के लिए हमने सेव करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है, तो हम उसको चिलिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे, मीन्स सॉरी फ्रीजिंग टेम्परेचर -18 पे ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन टेम्परेचर रेंजेस के अलावा अगर हम उसको रूम टेम्परेचर, दैट इज आइडियली 26 डिग्री सेल्सियस, उस पर रखेंगे, तो वहाँ पे उसकी स्पॉइलेज बहुत ज़्यादा होगी। तो फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर 20 मिनट्स गुजरने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई विद यू में से के बैक्टीरिया की तादाद डबल हो जाती है। डबल कैसे हो जाती है, 2^n के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर बढ़ते हैं। अगर 3 घंटे का अगर हम टाइम दें किसी भी प्रोडक्ट को, ऐसी प्रोडक्ट जो के जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी स्पॉयल होने वाली प्रोडक्ट, लाइक मीट है, पोल्ट्री है, या इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, 3 घंटे अगर हम उनको रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो 512 नंबर ऑफ माइक्रोब्स कैन जर्मिनेट ऑन इट एंड कैन स्पॉयल। तो मीट के केस में तो टोटली वो स्पॉयल हो जाएगा, खाने के काबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे स्पॉयल्ड मीट को अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे फूड सेफ्टी के इश्यूज क्रिएट होंगे, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड फूड बॉर्न इलनेस के इश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने ये जो एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया लैग फेज से स्टार्ट होते हैं, टाइम बढ़ता जाता है, टेम्परेचर उनके आइडियल आता जाता है, तो वो फिर लॉग फेज में, लॉगरिथमिक इंक्रीज आती है। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी फेज में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बैक्टीरिया ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते हैं, ना कम होते हैं, बल्कि एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। इसमें अगर हम बात करें टाइम और टेम्परेचर की कम्बिनेशन की, उसके बाद फिर एंड पे वहाँ पे डिक्लाइन फेज आता है, मीन्स वहाँ पे अगर हम उसको टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहाँ पे फिर वो उसकी जो है ना वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट रिड्यूस कर जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। इसी तरीके से मिल्क और डेयरी की एग्जांपल भी दी जा सकती है कि हमने हर चीज को उसके डेंजर जोन से बाहर लेके आना है। डेंजर जोन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर जो कि डेंजर जोन है, उससे हमने बाहर लेके आना, उससे नीचे जाएंगे तो वो चिलिंग या फ्रीजिंग स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे हम उनको टेम्परेचर ज़्यादा दे के बैक्टीरिया की ग्रोथ को सीज कर देंगे, -18 है या 0 से -18 के दरम्यान, इसी में चिलिंग रेंज आ जाती है, जैसे मिल्क की चिलिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, तो फिर हम उसकी कुकिंग की तरफ आ जाएंगे, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद केमिकल हैजर्ड्स की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने भी पॉइजनस मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं,
वेटनरी ड्रग्स हैं, एग्रीकल्चरल ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फ्यूमिगेंट्स हैं, कलोरेंट्स हैं, जो हमारे फूड एडिटिव्स हैं उनकी रेशो अगर एक हद से बढ़ जाए तो ये सारी चीज़ें केमिकल हैजर्ड में आ जाती हैं, जो कि हमारी खुराक की खराबी का बायस बनती हैं, उस पर फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन और जो सेफ्टी के मामलात हैं, लाइक वर्कर्स, उनकी पर्सनल हाइजीन का अप टू द मार्क होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में जो हैंड वॉशिंग है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हैंड वॉशिंग अगर वर्कर ने प्रॉपरली नहीं की तो डेफिनेटली वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि पर्सनल हाइजीन का जो बेसिक पैरामीटर उसको वो एम्प्लॉय जो वो अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो हैंड वॉशिंग का एक बाकायदा मैकेनिज्म है, हैंड वॉशिंग के लिए प्रॉपरली ये है कि आपके पास ल्यूकवार्म वाटर हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट हो या लिक्विड सोप हो, आपने वो जो एक दूसरा आम साबुन होता है वो वाला इस्तेमाल नहीं करना। एम्प्लॉय के पास मतलब लिक्विड सोप की दस्तियाबी होनी चाहिए, ठीक है, ल्यूकवार्म साफ सुथरा पोर्टेबल वाटर हो। टैप को ओपन करें, सबसे पहले अपने हाथों पे जितने भी आर्टिकल्स हैं लाइक रिंग है, कोई ज्वेलरी वगैरह है, उसको उतार लिया जाए। उसके लिए एम्प्लॉयज के लॉकर्स अलग से मौजूद हों ताकि वो अपनी चीज़ों को संभाल सके सेफ एंड साउंड तरीके से। देन हैंड्स को प्रॉपरली वेट करना है, लिक्विड सोप लगाना है, अच्छे तरीके से रब करना है। रब कैसे करना है, हाथों की पाम, ठीक है, फिंगर्स, इन बिटवीन फिंगर्स, और फिर जो पाम के ऊपर राउंड वे में उसको रब करना है, दोनों पाम्स को आपस में रब करना है। फिर अपना जो आपकी 2 इंच जो रिस्ट है हाथ के साथ, उसको भी हम कंसिडर करते हैं हाथ के साथ, ठीक है, तो उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। हाथ की बैक साइड है, उंगलियों के इन बिटवीन फिंगर्स, इंटरलॉक्ड वे में आपने उसको फॉर 15 to 20 seconds रिकमेंड किया जाता है, उसको आपने अच्छे तरीके से रब करना है। फिर उसके साथ प्रॉपरली पानी से वॉशिंग करनी है, फिर उसको क्लीनिंग करना है। अब इसमें आगे जो फर्दर एक स्टेप आता है कि हाथों को किसी कपड़े के साथ खुश्क किया जाए, टॉवल के साथ या जो डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर उसके साथ, रिकमेंडेड डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर है। हाउएवर इससे भी हटके अगर हम ड्राई एयर की बात करें, हॉट एयर की बात करें, तो वो ज़्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू डिस्पोजेबल टिश्यू। उसके बाद आप हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग सिचुएशन और वर्किंग कंडीशन। अब जो है आपके जो हैंड्स हैं उनको आप सैनिटाइज करने के बाद जो हैंड वॉशिंग का शेड्यूल है वो 2 घंटे का शेड्यूल होता है, हर 2 घंटे के बाद हर एम्प्लॉय ने हैंड्स को वॉश करना है। उसके बाद अब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात आती है, उसकी यूनिफॉर्म अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली धुली हुई हो, किसी किस्म की स्मेल ना आई हो, आ रही हो उसमें से, ग्लव्स प्रॉपर हों, ठीक है, या जो भी अदर आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ओके, अब पर्सनल हाइजीन में एक इलनेस का फैक्टर भी आता है जिसमें उसकी मेडिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। सबसे पहले तो ये है कि एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना ज़रूरी है हर एम्प्लॉय का। उसके बाद जो है डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, लाइक हेपेटाइटिस है, कुछ वायरल इश्यूज हैं, कुछ स्किन इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, ठीक है, तो जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उस सूरत में एम्प्लॉय ने अपने वर्क अपने बॉस को या सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है कि मुझे ये वाला इशू है, उसको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली हैंडल किया जाए, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर या मैनेजर है उसका भी एक तगड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इन तमाम डिजीज के अगेंस्ट, ताकि एम्प्लॉय किसी भी किस्म की कम्युनिकेबल डिजीज में इन्वॉल्व ना हो और वो आगे फर्दर ट्रांसफर ना हो सके। तो अब इसमें जैसे कि मैंने पहले एक टर्म यूज की थी कि पर्सनल हैबिट्स या जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर दैट मैटर्स अलॉट फॉर फूड सेफ्टी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग ड्यूरिंग वर्किंग कोई इनको कट लग जाता है, कोई इशू बन जाता है, तो उस चीज़ को प्रॉपरली रिपोर्ट करें। कुछ लोग ड्यूरिंग वर्किंग कुछ चीज़ खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, बाद
लोगों को फिंगर्स लिकिंग की आदत होती है, तो ऐसी चीज़ों में ये पर्सनल हैबिट्स हैं, ये पर्सनल बिहेवियर दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसके अलावा कुछ इम्प्लाइज स्पिटिंग का इशू होता है, स्मोकिंग का इशू होता है, हैबिट्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें इनको उन्होंने ख़त्म करना है, या सुपरवाइजर की सुपरविजन इतनी तकड़ी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सके। ऐसी सूरत में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, या उनको कल करने की ज़रूरत। कल मीन्स टू से कि उनको किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मुंतकिल कर दिया जाए। अगर फॉर एग्जांपल उसके हाथ पे कोई कट लग गया है, या कोई कोई अब्रेजन है, या फॉर द टाइम बिंग कोई ऐसा इशू है, कफिंग का इशू है, स्नीजिंग का इशू है ड्यू टू फ्यूम्स, ड्यू टू सम इररिलेवेंट एनवायरनमेंट, तो ऐसे केस पे अकॉर्डिंगली उनको डील करना है। आगे बात आती है क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की। क्लीनिंग मीन्स मेकिंग द आइटम्स फ्री फ्रॉम डस्ट और डर्ट और सॉयल, जो कि फिजिकल नेचर की आलूदगी है, उससे उसको फ्री करना। ठीक है, तो क्लीनिंग में क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाते हैं, लाइक डिटर्जेंट, या फिजिकल एफर्ट के थ्रू, या हीटिंग के थ्रू उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डस्ट डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए। अब आगे बात आती है सैनिटरी की। सैनिटरी मीन्स सेफ फॉर हेल्थ और फ्री फ्रॉम डेंजरस लेवल्स ऑफ पैथोजेंस एंड स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स। सैनिटाइजिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू अ सेफ लेवल, लाइक हैंड सैनिटाइजेशन में क्या होता है, या सरफेस सैनिटाइजेशन में क्या है, हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए उस सरफेस को, वहाँ से बैक्टीरिया को उस हद तक कम करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल की जा सकती है, स्टीम या अदर सैनिटाइजर एजेंट भी यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन पे क्या है, कंप्लीट जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के उनको वहां से रिमूव करना। तो सैनिटाइज किस चीज़ को करना है, इसमें खास तौर पे फूड कॉन्टैक्ट सर्फेस को सैनिटाइज किया जाता है, हैंड कॉन्टैक्ट सर्फेस को, और कंटेमिनेशन हैजर्ड्स को जो है वो सैनिटाइज किया जाता है। तो फूड कॉन्टैक्ट सर्फेस कौन सी हो सकती है, कटिंग बोर्ड हो सकती है, यूटेंसिल्स हैं, नाइव्स हैं, मिक्सर हैं, ये जितने भी आपकी वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद हैंड कॉन्टैक्ट सर्फेस जहाँ जहाँ पे आपके हाथ लग सकते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर का डोर है, रेफ्रिजरेटर का हैंडल है, कोई टेबल है रेलिवेंट, या कोई दरवाजा है। ठीक है, उसके बाद कंटेमिनेशन हैजर्ड कहाँ से जनरेट हो सकता है, ट्रैश है, जो डस्टबिन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारा जितना भी कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं। उसके अलावा क्लीनिंग क्लोथ्स हैं, गंदे कपड़ों से भी ये इशू जनरेट हो सकता है। ओके, आगे हम बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल में खास तौर पे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि फूड को ड्यूरिंग प्रोडक्शन उनको मतलब या तो उनको किसी तरीके से ख़राब कर सकते हैं, उनकी स्पॉयलेज का बायस बन सकते हैं, या फिजिकली उसमें गिर के उसको ख़राब कर सकते हैं, जिसमें कॉकरोचेज हैं, रैट्स, माइस हैं, फ्लाइज हैं, माइट्स हैं, बीटल्स हो सकती हैं, या बर्ड्स हो सकती हैं, छिपली हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेस्ट में कंसिडर होती हैं। तो पेस्ट को प्रॉब्लम पेस्ट का प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए क्या है, हम पेस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। पेस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस में खास तौर पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज IPM। IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट। IPM में स्प्रेज का इस्तेमाल हो सकता है, IPM में मुख्तलिफ फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ जो फिजिकल गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल किलिंग की जा सकती है पेस्ट की। ठीक है, पेस्ट की एंट्री को सीज करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जा सकते हैं। IPM के लिए बकायदा मैपिंग डिज़ाइन की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना बायोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।